मैथमेटिशियन आनंद कुमार की बायोपिक सुपर 30 जापान में रिलीज होने वाली है। फिल्म से जुड़े सूत्रों ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया है कि यह फिल्म 23 सितंबर को जापान के सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। वाणी कपूर ने मेलबर्न इंडियन फिल्म फेस्टिवल में प्रज्ञा कपूर की फिल्म माली का ट्रेलर लॉन्च किया है। फिल्म माली एक 16 साल की लड़की तुलसी के संघर्ष की कहानी है। लाल सिंह चड्ढा के बॉक्स ऑफिस पर बायकॉट करने पर एकता कपूर ने कहा है कि आमिर इंडस्ट्री के सॉफ्ट एम्बेसडर हैं, इन्हें हम बिल्कुल भी बायकॉट नहीं कर सकते हैं। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के बर्थडे पर अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया जिसमें खिलाड़ी कुमार मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी पर डांस करते हुए नजर आए। बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने सोशल मीडिया के जरिए आमिर खान की तारीफ की और लोगों से फिल्म को देखने की रिक्वेस्ट करते हुए बोली कि यह फिल्म नहीं बल्कि मैजिक है। दिया और बाती हम फेम एक्ट्रेस कनिष्का सोनी ने खुद से ही शादी रचा ली है। एक्ट्रेस ने मंगलसूत्र और सिंदूर लगाकर फोटो शेयर की है। एक्ट्रेस का कहना है कि उन्हें किसी आदमी की जरूरत नहीं है, वो सबसे ज्यादा प्यार खुद से करती है। बायकॉट ट्रेंड पर अभिनेता अर्जुन कपूर ने कड़ा अपना रिएक्शन दिया है। मुझे लगता है कि हमने इस बारे में चुप रहकर बहुत बड़ी गलती की है और हमारी शालीनता थी, लेकिन लोगों ने इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया है। टीवी एक्ट्रेस जैस्मीन भसीन जल्द ही बी टाउन की हसीना बनने जा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने बॉलीवुड डेब्यू को लेकर अपनी एक्साइटमेंट शेयर की है। जैस्मीन ने कहा है कि फिल्म को लेकर बहुत उत्साहित हूं, यह मेरे लिए किसी सपने से सच होने जैसा है। ऐश्वर्या राय बच्चन जल्द ही मणिरत्ना की फिल्म PS1 के कमबैक करने जा रही हैं। इस फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। खास बात यह है कि ये पहली तमिल फिल्म होगी जो IMAX में रिलीज होने जा रही है। अनन्या पांडे हाल ही में ही अपनी छोटी बहन रियासा पांडे को लेकर खासा इमोशनल हो गई हैं। उन्होंने बहन के साथ एक प्यारा वीडियो साझा किया है। लिखा है, फ्लाई लिटिल बर्ड आई लव यू।